यूक्रेन के बीच जंग जारी है और अब रूस के बुलावा मिसाइल खारकीव में तबाही मचा रहे हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन के चीथड़े उड़ने लगे हैं। बुलावा मिसाइल ने खारकीव को चीर डाला। रूस यूक्रेन जंग को 811 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। जमीन पर रूसी हमलों ने यूक्रेन की चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। पांचवी बार रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद से अचानक रूस के हमले यूक्रेन पर 5 गुना तेजी से हो रहे हैं। जानकारों के मुताबिक 24 फरवरी 2022 के बाद से पहली बार रूस ने इतने भीषण हमले किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की तक मान चुके हैं कि इस वक्त खारकीव में रूस के हमले चारों तरफ से हो रहे हैं। रूस के फाइटर जेट और ड्रोन यूक्रेन में घुसकर हमले कर रहे हैं। जमीन पर टैंक, पैदल सेना, तोपखाना और रूसी रॉकेट आर्मी ने यूक्रेनी सैनिकों की कमर तोड़कर रख दी है। हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 48 घंटे में रूस ने समंदर से मौजूद अपनी पनडुब्बी से बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे RSM-56 के नाम से भी जाना जाता है, उससे भीषण हमले किए हैं। हम आपको बताएंगे कि रूस ने खारकीव में कितने इलाके पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए पुतिन ने अपनी बुलावा मिसाइल को कितनी दूरी से यूक्रेन पर हमला करने में इस्तेमाल किया है। रूसी मीडिया के दावों के मुताबिक बुलावा यानी RSM-56 एक ICBM है, जिसे पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप पर हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन पर बुलावा मिसाइल से हमला किया है। लगभग 5600 किलोमीटर दूर से रूसी पनडुब्बी ने एक के बाद एक कई बुलावा मिसाइलें दाग, जिन्होंने यूक्रेन के खारकीव में भारी तबाही मचाई है। जेलेंस्की रूस की बुलावा मिसाइल के हमले से बुरी तरह से घबरा गए हैं। Сьогодні день дав нам більше можливостей. Перше головком Олександр Сирський, він доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина, там, де зараз найважче. Він перебуває якраз в ключових місцях боїв, працює. Юкрейн в Харківі лаке ми з вакт бішен лараї чал рахі є. रूसी सेना ने पिछले हफ्ते इस इलाके पर हमला किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का साफ मानना है कि उनकी सेना सीमावर्ती इलाके में आगे बढ़ रही है, रूसी सेना को रोकने की कोशिश की है और दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग चल रही है। इस बीच यूक्रेन ने खारकीव फ्रंट लाइन के कमांडर को भी बदल दिया है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सेरेस्की ने क्षेत्र की स्थिति को मुश्किल बताया है। ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये लड़ाई में कोई निर्णायक मोड़ ले सकती है। इधर यूक्रेन के लुकियांसी और वोवचेंक्स के कुछ इलाकों में रूस के हमले से बचने और यूक्रेनी सैनिकों की बचाने की कोशिश हो रही है। यहाँ तक कि अमेरिका भी रूस के ताज़ा भीषण हमलों से सन्न रह गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को भरोसा दिलाया है कि यूक्रेन का साथ अमेरिका नहीं छोड़ेगा। Putin is ramping up yet another offensive against Ukraine in Kharkiv and across the east, sending wave after wave of Russian soldiers, Iranian drones, North Korean artillery and tanks, missiles and fighter jets built with machines and parts supplied by China. द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का दावा है कि रूस ने पिछले 24 घंटों में खारकीव क्षेत्र के दो हिस्सों में कम से कम 22 हमले किए हैं। खारकीव क्षेत्र के गवर्नर के मुताबिक रूस जानबूझकर छोटे समूहों में हमला कर रहा है।
वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने कम से कम 4 बस्तियों के बाहर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। ये इलाके हैं वेस्ले, नेस्कुचने, वोवचांस्क और लिप्सी। अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस ने यूक्रेन में कहां कहां पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में कई यूक्रेनी पत्रकारों का हवाला देते हुए बताया गया है कि बोरिसिवका, ओहिर, सेव, पिलना और स्ट्रिच लेचा के गांवों को शुक्रवार को 10 मई के दिन रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। रूस ने यह भी दावा किया है कि उसने प्लेटेनिवका पर भी कब्जा किया है। बुलावा मिसाइल ने खार्किव को चीर डाला, लेकिन रूस ने अब बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करके यूक्रेन की हालत खराब कर दी है। जरा देखिए कितनी खतरनाक है। दावों के मुताबिक बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल की लंबाई 12 से 13.5 मीटर है। इसका वजन 36,000 से 39,000 किलोग्राम के बीच है। ये 5 मिसाइल से 10 MIRV ले जा सकती है। बुलावा को 100 से 160 KT की क्षमता वाली घातक मिसाइल माना जाता है। इसकी अधिकतम रेंज 8300 किलोमीटर है। कुल मिलाकर रूस के नए घातक हमले साफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या रूस के खूनी हमलों से यूक्रेन को अमेरिका बचा पाएगा या नहीं।